एमएम कभी भी आदिवासियों की पार्टी नहीं रही। अलग राज होने के बाद आप देखते होंगे उसके इर्द गिर्द कौन है। मैं डंके की चोट के साथ कहना चाहता हूँ, कोई पिंटू है, कोई शर्मा है, कोई सिन्हा है, कोई श्रीवास्तव है, जमीन लूट रहे हैं। स्थानीय नीति में बाहरी यूपी बिहार के लोगों को लग जाता है, नौकरी लग जाता है। इसलिए देखिए, आदिवासी भर नेता होने से नहीं होता है। इसलिए मुक्ति मोर्चा पूर्ण रूप से दिक्कों की पार्टी है, उसी को जो है हम लोग साफ करने के लिए भारत आदिवासी पार्टी झारखंड में लाए। झारखंड बनने के बाद आज तक आदिवासियों के हित में नहीं हुआ है। आदिवासियों के साथ साथ यहाँ के जो शोषित वंचित वर्ग हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, जो मूलवासी हैं, उनके साथ भी अन्याय हुआ है, उनके साथ भी छल हुआ है। तो हम लोग चाहेंगे आदिवासी पार्टी के माध्यम से, ये खुला मंच है, सबका स्वागत है, और हम लोग झारखंडियों के लिए यहाँ पर काम करेंगे और हम लोग यहाँ पर आदिवासी राज स्थापित करेंगे। झारखंड अलग हुआ 23 साल 24 साल हो रहा है, और यहाँ का जो परिस्थिति है, खासकर आदिवासियों के बीच में, यहाँ के मूलवासियों के बीच में, जो चीज़ यहाँ होना चाहिए था, जो नीति बनना चाहिए था, जो नियम बनना चाहिए था, आज धराशाही रह गया है, कुछ नहीं हुआ। कोई बीजेपी फंडेड हो, कोई मुक्ति मोर्चा का फंडेड हो सकता है, हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी का नाक का बाल है ये लोग। तो देखिए, हम लोग एकला चलो एकला चलेंगे, खासकर आदिवासी मूलवासी हितों के लिए काम करेंगे, और जो पार्टी हमारे विरोध में काम करेगी उसका विरोध भी हम करेंगे, काम करेंगे। पिछले कई दिनों से झारखंड समेत पूरे भारत के अंदर एक पार्टी का जिक्र बहुत जोरों पर है, और ये बताया जा रहा है कि झारखंड के अंदर वो पार्टी नई राजनीति की शुरुआत कर सकती है। कुछ दिन पहले पुराना विधानसभा के मैदान मर इस पार्टी ने अपना कार्यक्रम किया, तमाम उसके सांसद और विधायक पहुंचे हुए थे, और अब भारत आदिवासी पार्टी, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, उसके नए झारखंड प्रदेश अध्यक्ष, महिला प्रदेश अध्यक्षा और कार्यकारी अध्यक्ष की घोषणा हुई। तमाम लोग बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचे, मतलब ये लोग राजस्थान गए थे, राजस्थान से दिल्ली, दिल्ली से भाया वो रांची आए हैं। अब देखिए कि ये भारत आदिवासी पार्टी, जिसका शॉर्ट नेम बाप है, भारत आदिवासी पार्टी का सिंबल है हॉकी, और इसके तीन शायद और लगभग शायद एक सांसद, तीन विधायक और एक सांसद हैं, और पूरा देश के अंदर की सबसे कम समय में इतना सांसद विधायक लेने वाली पहली पार्टी हम हैं। उनके जो नए नए अगुवा बने हैं, जो अध्यक्ष बने, उनको आप पहले से जानते हैं, प्रेमशाही मुंडा, कुंद्र सिंह मुंडा और अजय कच्छप, के तमाम लोग पहले से झारखंड के अंदर, राजधानी के अंदर आदिवासी मुद्दों पर काम कर रहे थे, लेकिन अब वो एक पार्टी से जुड़कर, पार्टी से मिलकर काम कर रहे हैं। समझते हैं आखिर भारत आदिवासी पार्टी का लक्ष्य क्या है, उससे जुड़ने का मतलब क्या है। भारत आदिवासी पार्टी जिंदाबाद, 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 मुंडा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश के आदिवासी एक हो, एक हो, एक हो। देश के आदिवासी एक हो, एक हो, एक हो। भारत के आदिवासी एक हो। प्रेमशाही मुंडा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? काफी बड़ी जिम्मेदारी मिली है भारत आदिवासी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे। देखिए, ये ताज जो मिला है वो आदिवासी मूलवासियों ही हक के लिए मिला है, और जितने भी यहाँ पर, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार हो, हेमंत सोरेन हो, चाहे बीजेपी का हो, सभी आदिवासी मूलवासियों का छला है। हम देख रहे हैं, हम लोगों ने बाहर में देखा कि पेपर के कतरन में आया है कि पाकुड़ में आदिवासियों पर हमला किया जा रहा है, कोई मुसलमानों के द्वारा किया जा रहा है, कोई बाहरियों किया जा रहा है। हमें तो लगता है दोनों ने जो है यहाँ आदिवासी मूलवासी को छला है, इसलिए हम लोग राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करके झारखंड में आदिवासियों और मूलवासियों को, चाहे वो स्थानीय नीति का मामला हो, चाहे कृषि क्षेत्र का मामला हो, चाहे शिक्षा क्षेत्र के मामला हो, सर्वांगीण विकास के लिए हम लोग आदिवासी पार्टी को लाए हैं, और जनता के बीच जा करके एक नया जो है राजनीतिक क्रांति करने का काम करेंगे। और हम समझते हैं कि हेमंत सोरेन सरकार से हम कहना चाहते हैं कि वो कोई भी काम में जो है अभी तक जो है निष्पादन नहीं किए हैं, तो स्थानीय नीति पर फेल हो गए हैं, धर्म कोर्ट के मसले पर फेल हो गए हैं, और जमीन लूट पर तो बढ़ी है। इसलिए सभी को जो है, जितने भी पार्टियां हैं, उसे कहीं ना कहीं भारत आदिवासी पार्टी राज की राजनीति में मील का पत्थर साबित होगा। भारत आदिवासी पार्टी कितना खरा उतरेगी आदिवासियों के हित के लिए? 100%, क्योंकि हम लोग जन आंदोलन के उपज हैं। आपने देखा होगा कि CNT एक्ट आंदोलन हो, चाहे झारखंड के आदिवासी मूलवासी की आवाज़ का आंदोलन हो, सभी ने हम लोग जो है लड़ के आगे किया है। लेकिन हम लोग अब तय किए हैं कि सत्ता के माध्यम से विधानसभा जा करके यहाँ के लोगों के लिए नीति सिद्धांत को बनाएंगे, नीतिगत फैसले लेंगे। इसलिए आने वाला समय
भारत आदिवासी पार्टी का होगा। आप पर तो आरोप भी लगेगा कि भाजपा फंडेड है, आप लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासी की पार्टी है, फिर आप लोग आ रहे हैं। देखिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा है, जहां मेरा विरोध होगा हम बढ़ेंगे, ये मैं नहीं कहता हूं, दार्शनिक लोग कहा है। इसलिए कोई बीजेपी फंडेड हो, कोई मुक्ति मोर्चा फंडेड हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी का नाक का बाल है ये लोग। तो देखिए हम लोग एकला चलेंगे, खासकर आदिवासी मूलवासी हितों के लिए काम करेंगे, और जो पार्टी हमारे विरोध में काम करेगी उसका विरोध भी हम करेंगे, काम करेंगे। एक पहले से जेएमएम आदिवासी पार्टी यहाँ पे है, फिर से आपकी नई पार्टी है, तो आप जब उस पर यकीन नहीं कर पाते, आप पे कैसे यकीन करेंगे? जेएमएम कभी भी आदिवासियों की पार्टी नहीं रही। अलग राज होने के बाद आप देखते होंगे उनके इर्द गिर्द कौन है। मैं डंके की चोट के साथ कहना चाहता हूँ, कोई पिंटू है, कोई शर्मा है, कोई सिन्हा है, कोई श्रीवास्तव है, जमीन लूट रहे हैं। स्थानीय नीति में बाहरी यूपी बिहार के लोगों को लग जाता है, नौकरी लग जाता है। इसलिए देखिए आदिवासी भर नेता होने से नहीं होता है। इसलिए मुक्ति मोर्चा पूर्ण रूप से दिक्कों की पार्टी है, उसी को जो है हम लोग साफ करने के लिए भारत आदिवासी पार्टी झारखंड में लाए। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो झारखंड बनने के बाद आज तक आदिवासियों के हित में नहीं हुआ है। आदिवासियों के साथ साथ यहाँ के जो शोषित वंचित वर्ग हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, जो मूलवासी हैं, उनके साथ भी अन्याय हुआ है, उनके साथ भी छल हुआ है। तो हम लोग चाहेंगे आदिवासी पार्टी के माध्यम से, ये खुला मंच है, सबका स्वागत है, और हम लोग झारखंडियों के लिए यहाँ पर काम करेंगे और हम लोग यहाँ पर आदिवासी राज्य स्थापित करेंगे। विश्वास है इस पार्टी में? देखिए विश्वास पार्टी पर विश्वास की बात नहीं है, पार्टी पर नहीं, अगुवा पर विश्वास कीजिए, क्योंकि पार्टी के साथ साथ एक विचारधारा चलती है, आदिवासियों की मूलवासियों की विचारधारा से चलती है पार्टी। तो आपको अगुवाओं पर विश्वास करना पड़ेगा, पार्टी पर विश्वास करना पड़ेगा, और पार्टी के विचारधारा पर विश्वास करना पड़ेगा। और विचारधारा को देखकर ही हम लोगों ने भारत आदिवासी पार्टी ज्वाइन किया है और यहाँ पर जिम्मेदारी लेकर आए हैं, और इस बार के विधानसभा चुनाव में हम लोग जबरदस्त तरीके से पार्टी के साथ खड़े होंगे और अपने नवनियुक्त और नवयुवाओं को विधानसभा भेजने का काम करेंगे। आदिवासी मुख्यमंत्री हैं राज्य के अंदर और आप लोग फिर एक नई पार्टी बनाए, आप लोग को तो आरोप ये होगा कि भाजपा ने आपको पलट किया है। राहुल ही नहीं, आप भाई देखिए जब से झारखंड बनी है रघुवर दास जी को छोड़कर सारे मुख्यमंत्री आदिवासी ही रहे हैं, लेकिन आप लोग देखेंगे कि आदिवासियों के लिए आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। रही बात भाजपा फंडेड की, तो यहाँ पर आरोप पर प्रत्यारोप लगाने वाले कई आएंगे और कई जाएंगे भी, लेकिन हम लोग किसी से डरने वाले नहीं हैं। हम लोग अपने बलबूते पर सामाजिक संगठनों में लड़ाई लड़े और अपने बलबूते पर इस बार हम लोग भारत आदिवासी पार्टी को हम लोग ला रहे हैं और भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले हम लोग लड़ेंगे। देखिए झारखंड अलग हुआ 23 साल 24 साल हो रहा है, और यहाँ का जो परिस्थिति है, खासकर आदिवासियों के बीच में, यहाँ के मूलवासियों के बीच में, जो चीज़ यहाँ होना चाहिए था, जो नीति बनना चाहिए था, जो नियम बनना चाहिए था, आज धराशाही रह गया है, कुछ नहीं हुआ। इसलिए यहाँ के लोगों ने, सारे संगठन, जो झारखंड प्रदेश के संगठन है, तमाम संगठन, और जो आजकल राजस्थान जाके वहाँ जो मीटिंग हुई, सारे भारत के अनेकों राज्य से वहाँ पहुँचे थे, और वहाँ पर सारी जो परिस्थितियाँ हैं, जो विचार, जो यहाँ के लोग, जो आंदोलन के बिरसा मुंडा जिसके लिए आंदोलन किए थे, जिसके लिए अपने जान गए, वो चीज़ जल जंगल जमीन, अपना अस्तित्व, अपना सभ्यता, अपना संस्कृति यहाँ बचा नहीं। इसलिए हम लोगों ने संकल्प लिया और एक विचारधारा की ओर हम लोग बढ़े हैं, और साथ ही हम लोग यहाँ आदिवासी पार्टी को मजबूत करेंगे, मेहनत करेंगे, और आगे आने वाला दिन में जो विपक्ष हो गए, जो हैं, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।